हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सभी को एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों आज का इस वीडियो आप सभी को बताऊंगा आप कैसे अपनी फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, वो चाहे आपको याद है या चाहे आपको याद नहीं है। बहुत सारा रीजन की वजह से हम लोगों को फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड जो है चेंज करना पड़ता है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एंड ये जो सेटिंग था ना, पहले बहुत ईजी था, बट अभी फेसबुक ने थोड़ा सा टफ कर दिया, इसीलिए बहुत सारा फेसबुक जो क्रिएटर है उन लोगों को प्रॉब्लम चल रहा है। मैं कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आ चुका अपना मोबाइल का स्क्रीन में। उसका सबसे पहले क्या करूँगा, अपना फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लूँगा। ओपन हो जाने का दोस्तों ऊपर में जो आपका डीपी शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको टैप करना पड़ेगा। टैप करने के बाद दोस्तों एकदम नीचे तरह आ जाइए, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन शो हो जाएगा जो है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी बोल के। आपको सिंपली इसका ऊपर टैप करना, जैसे टैप करेंगे वो जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एंड उसके नीचे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो है सेटिंग्स बोल के। तो सिंपली आपको सेटिंग्स पर टैप कर देना। देने का दोस्तों यहाँ पे फेसबुक ने लोचा कर दिया, पहले बहुत ईजी था, यहाँ पे नीचे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी बोल के देखने के लिए मिलता था, बट अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया, आपको नीचे वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, जो मेटा बोल के अकाउंट सेंटर बोल के एक नया वाला ऑप्शन निकल के आ चुका है, इसके अंदर ही वो घुसा दिया। यहाँ पे देख लीजिए सी मोर इन अकाउंट सेंटर बोल के आपके सामने ऑप्शन शो होता है, सिंपली आपको यहाँ पे टैप कर देना। देने का दोस्तों यहाँ पे एक नया वाला आपको इंटरफेस निकल के आ जाएगा एंड आपका जो पासवर्ड है जो कुछ भी है सब इसके अंदर वो लोग दे चुका है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये निकल के आ जाते हैं, इसका देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी बोल के, यहाँ पे आपको टैप करना। टैप करने का दोस्तों सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है चेंज पासवर्ड बोल के, सिंपली आपको इसमें टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको जितना सारा प्रोफाइल है ये वो सब यहाँ पे निकाल के आ जाएगा, आप जिसमें पासवर्ड चेंज करना चाहते हो उसमें टैप कर दीजिए। जैसे ऊपर वाला है मैं यहाँ पे टैप कर दूंगा। देने का दोस्तों यहाँ पे बोलेगा करंट पासवर्ड डालो, उसके बाद न्यू पासवर्ड डाला एंड उसके बाद न्यू पासवर्ड, जो न्यू पासवर्ड दे रहा है उसको फिर से डालो एंड नीचे चेंज पासवर्ड बोल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे टैप कर दीजिए। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे पासवर्ड जो करंट पासवर्ड है उनको याद नहीं है, उन्होंने भूल चुका है। एंड जो करंट पासवर्ड मैंने अपडेट किया देख लीजिए 273 को अपडेट किया था, बट वो फिलहाल मेरे को याद नहीं है, तो वो पासवर्ड मुझे कहाँ से मिलेगा। आप बोलेंगे यहाँ पे तो मैं फॉरगेट कर दूंगा, हाँ वो आप कर सकते हो, लेकिन मैं दूसरा एक तरीका बता रहा हूँ एंड क्यों बता रहा हूँ वो भी मैंने आपको बताऊंगा। देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपका जीमेल अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, गूगल अकाउंट। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा गूगल अकाउंट को ओपन कर लूँगा, ये गूगल है, ठीक है, गूगल नहीं जीमेल ओपन कर लूँगा, जीमेल ओपन कर लूँगा। ओपन हो जाने का दोस्तों ऊपर में जो आपका जीमेल का डीपी शो हो जाएगा यहाँ पे टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पे जितना सारा आपका जीमेल अकाउंट आपका मोबाइल में लॉगिन है सब शो हो जाएगा, तो इसमें से जो जीमेल आप नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ करते हो वो जीमेल को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने जैसे घर में बोल के जो जीमेल है इसको मैंने ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, तो इसका देख लीजिए गूगल अकाउंट बोल के मेरे सामने ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको टैप करना। टैप करने का दोस्तों यहाँ पे आपको स्लाइड में जाना, जैसे होम, पर्सनल इन्फो, डेटा प्राइवेसी, ऐसे आपको स्लाइड में जाना एंड यहाँ पे देख लीजिए आपको सिक्योरिटी बोल के ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली आपको टैप करना। टैप करने के बाद सीधा नीचे तरह आ जाइए एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा देख लीजिए योर सेव्ड पासवर्ड बोल के मिल जाएगा एंड वहाँ पे पासवर्ड मैनेजर बोल के आपको ऑप्शन शो हो जाएगा, सिंपली आपको इसके ऊपर टैप करना। टैप करने का दोस्तों यहाँ पे जितना सारा आपने सोशल मीडिया बोलो, वेबसाइट बोलो यूज़ करते हो सभी बाय डिफॉल्ट नीचे आ जाते हैं एंड उसका पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको ढूंढ लेना पड़ेगा फेसबुक कहाँ है। यहाँ पे देख लीजिए मेरा ओनली 3 शो हो रहा है, एक फेसबुक, एक गूगल अकाउंट, एक आपका जो यूट्यूब का जो टूल्स है BIDI वो शो कर रहा है। आपका मोबाइल में ज़्यादातर ऐप है, ज़्यादातर वेबसाइट है, तो आपको बहुत शो हो जाएगा, वहाँ पे आपको फेसबुक ढूंढ लेना पड़ेगा। ढूंढने के बाद सिंपली फेसबुक आप टैप करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट या कोड देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट को दे देता हूँ। देने के बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड शो हो जाएगा, देख लीजिए फेसबुक का जीमेल आईडी शो हो रहा है एंड साथ साथ नीचे पासवर्ड भी शो हो रहा है एंड यहाँ पे देख लीजिए एक आग वाला आइकॉन दे के रखा है, अगर आपने उसमें टैप कर दो तो आपका पासवर्ड यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। मैं फिलहाल यहाँ पे टैप नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों को मैंने दिखाऊंगा नहीं, तो यहाँ पे टैप करने से आपको दिख जाएगा। तो ऐसे अगर अपनी मोबाइल पे 3-4 अकाउंट यूज़ तो फेसबुक का, तो वो ऐसे स्टेप वाइज आपको नहीं मिल जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है देन दूसरा जो जीमेल है आपका फोन में था उस जीमेल में जाके सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको पता कर लेना पड़ेगा। अभी ये था दोस्तों जिन लोग पासवर्ड भूल चुके होंगे उन लोगों के लिए एंड जिन लोगों के पास मोबाइल नंबर वगैरह जीमेल वगैरह नहीं है उन लोगों के लिए। अगर आपके पास वो है, आप ये सब करके भी आपको नहीं मिला है, देन आप फॉरगेट पासवर्ड में कर सकते हो।
पॉकेट प्राइस में टैप करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक नया वाला पॉपअप शो के आ जाएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी शो हो जाएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर पे कोड जाएगा, उस कोड को देके आप अपनी पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। एंड आप बोलेंगे ये तो ईजी था, तो वो वाला प्रोसेस क्यों दिखाया? वो वाला प्रोसेस मैंने इसलिए दिखाया कि जिन लोगों के पास ये मोबाइल नंबर है ही नहीं या जीमेल था वो भूल चुके हैं, उन लोगों के लिए वो बहुत हेल्प कर देगा कि आप कोई भी बैकअप या रीसेट करने के नहीं करके भी आप ओल्ड पासवर्ड को पता कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको वो तरीका बता चुका हूँ। तो ये है दो तरीका जिसका मदद से आप अपने फेसबुक का ओल्ड पासवर्ड को पता कर सकते हो एंड साथों साथ आप अपने फेसबुक का पासवर्ड चेंज करके एक नया पासवर्ड भी बना सकते हो। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे एंड आपको अच्छा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और हाँ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक ने नया वाला ये सेटिंग लेके आया तो बहुत लोग कन्फ्यूज में है। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। आज का वीडियो दोस्तों यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शो हो रहा है, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली आंसर करूँगा। आज के वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।